हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी हो रिजल्ट। डीएलएड फाइनल ईयर के छात्रों ने घर में ही दिया सांकेतिक धरना। ये डीएलएड सत्र 2018-20 के स्टूडेंट जो हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर, जो उनका परीक्षा नहीं हो रहा है, तो इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में परीक्षा फॉर्म भरवाया गया तो फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही रिजल्ट जारी हो, तो ये लोग रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन में परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने के बाद भी अब तक परीक्षा नहीं होने से आक्रोशित डीएलएड फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने शनिवार को घर में धरने पर बैठे। इस दौरान वह हाथों में डीएलएड सत्र 2018-20 के रिजल्ट और फाइनल डिग्री जल्द से जल्द प्रदान करो का कंटक लेकर विरोध जता रहे थे। जिले के 4 सरकारी और निजी संस्थान में डीएलएड की परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं। धरने पर बैठे प्रशिक्षुओं ने कहा कि द्वितीय वर्ष में 1000 अंकों में 645 अंकों का इंटरनल असेसमेंट किया जाता है, केवल 355 अंकों की ही लिखित परीक्षा होती है। ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को चाहिए कि वह केवल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही रिजल्ट जारी कर दे। बिहार राज्य प्रशिक्षु शिक्षक संघर्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश राज ने बताया कि जिले में 2500 से अधिक ऐसे प्रशिक्षुओं की संख्या है जो परीक्षा और रिजल्ट की राह देख रहे हैं। ऋषिकेश ने बताया कि इसमें सैकड़ों ने CTET की परीक्षा पास कर ली है। अगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में हाईकोर्ट के आदेश पर दिसंबर में CTET पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है तो ये सभी वंचित हो जाएंगे। धरने पर बैठने वालों में सृष्टि मिश्रा, वर्षा पांडे, आनंद प्रकाश, शिवतोष कुमार झा व ऐश्वर्या प्रीतम आदि शामिल थे। तो मुख्य मुद्दा इन लोगों का ये है, ये लोग इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो CTET पास कर चुके हैं, और तो अगर हाईकोर्ट का आदेश आता है दिसंबर CTET को शामिल करने का तो फिर ये लोग वंचित रह जाएंगे, इस चीज़ का डर सता रहा है। और वैसे भी पिछले सत्र में भी ऐसा हुआ था कि 2-3 सत्र का एक बार एग्ज़ाम लिया गया था, तो ऐसे में छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो एक भय सा बना हुआ रहता है। तो और एग्ज़ाम भी बहुत कम अंकों का होता है, तो इसलिए इन लोगों का मांग है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही इन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अब देखना ये है कि होता क्या है, तो आगे जो भी अपडेट आता है तो उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।